लगा। पार्ट एट एग्जाम का एक्सरसाइज का सम नंबर 15। सम नंबर 15 में रकम पढ़ूंगी अभी मैं। ये कुछ और तरह के दाखले, नए तरह के दाखले। अभी तक के जो दाखले थे हमारे, उसके अंदर हम सारी एंट्री कर देते थे, उसके बाद जितनी भी पूंजी खाते में जो जमा बाजू पर एंट्री होती थी उसमें से उधार बाजू की एंट्री माइनस करके बाकी निकालते थे। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि पार्टनर्स जो है वो पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि नेक्स्ट ईयर, अब ये नया धंधा, जो नया कारोबार, नया पार्टनर आने के बाद जो कारोबार हमारा शुरू हुआ है उसके अंदर आपको कम से कम इतनी पूंजी चाहिए। तो भाई तुम फर्स्ट पार्टनर है तुम इतने लेके आना, सेकंड पार्टनर भी तुम इतने लेके आना, थर्ड पार्टनर सी तुम इतने लेके आना। इतनी पूंजी, इतना पैसा कम से कम हमारे कारोबार में चाहिए। इसके लिए चाहे तो तुमको एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़े तो ऐड कर दो, या बदल ज़्यादा का पैसा हो तो लेके चले जाओ, लेकिन इतना पैसा कम से कम पार्टनरशिप में कारोबार में होना चाहिए। तो ये जो है इससे पहले जो दाखले थे उसके अंदर हम जब उधर जमा बाजू में से उधर बाजू माइनस कर देते थे और जो बाकी निकाल देते थे, लेकिन अब पहले से बाकी लिखी हुई होगी और उसके बाद उधर जमा बाजू माइनस करना है। वो किस तरह करना है वो अब हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, दाखला नंबर 15। रिया अने गौरी एक जेम बेना प्रमाण में नफा नुकसान बेचता भागीदार है। रिया अने गौरी एक जेम बेना प्रमाण में पार्टनर रिया और गौरी एक जेम दो के प्रमाण में नफा नुकसान को बांटते पार्टनर से एक चार बजे सत्यनारायण रोज थे हुए संजू ने एक पंचमांश भागे नफा भागीदार तरीके दाखिल कर लिया। अब नया पार्टनर आया है संजू। संजू का प्रमाण दिया हुआ है एक के तकसीम में 5। मूड़ी तरीके ने 90,000 रोकड़ा लावे छे। संजू कितनी मूड़ी लाने वाला है? 90,000। पुनर्मूल्यांकन खाता नफा ने पाड़ी ना हवाला नाख्या बाद रिया ने गोरी ने मूड़ी अनुक्रमे 1,50,000 अने 2,00,000 रूपये। अब इनकी पूंजी कितनी होगी? रिया की, आर की और गौरी की 1,50,000 और दूसरी की पूंजी होगी 2,00,000। ये इनकी पूंजी है, ये नया पार्टनर बनाने वाला है, ये इसकी पूंजी है। भागीदार ने नकली करी के नवी पेढ़ी की कुल मूड़ी 4,50,000। कुल मूड़ी कितनी होनी चाहिए? 4,50,000 ये कुल मूड़ी होनी चाहिए। ये इनकी पुरानी मूड़ी खाते की जूनी मूड़ी थी, नए पार्टनर्स की मूड़ी इतनी होनी चाहिए। नवा नफा नुकसान प्रमाण में राखी भागीदारों जरूरी रोकड़ लावशे अथवा उपाड़ी जैसे भागीदारों ना मूड़ी खाता तैयार करो। नया नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है, रकम आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। नया नफा नुकसान का प्रमाण यहाँ पर नहीं दिया हुआ। इस दाखले में हमको नया नफा नुकसान का प्रमाण ही नहीं दिया हुआ। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पूंजी ना 4,50,000 किस तरह बांटनी है? हमको जब प्रमाण ही नहीं दिया हुआ तो इसके लिए एक जाब्ता आपको लिखना है। नवो भाग बराबर जूनो भाग बाकी नफो जर्ब जूनो प्रमाण बाकी कितना रहेगा नफा। अभी हमारे जो पार्टनर्स है तो ये पार्टनर्स, ये नया पार्टनर है उसकी पूंजी कितनी है? 1/5। तो बाकी के जो पार्टनर्स की पूंजी कितनी होगी? 4/5। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब नए पार्टनर्स की पूंजी 1/5 है तो यहाँ पर टोटल कितना होता है? 1 प्रमाण। टोटल मिलाकर हम कितना हिस्सा लेते हैं? सबका मिलाकर, तीनों पार्टनर्स का मिलाकर कितना हिस्सा होता है? 1। ये दाखला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, उसके बाद ही सारे दाखले समझ में आएंगे। टोटल प्रमाण, सबकी पूंजी मिलाकर 1 हिस्सा, सबका मतलब पूरा मिलाकर 1 हिस्सा, ठीक है। अब वो 1 में से ये प्रमाण है पार्टनर सी का, इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो बाकी का ए और बी का कितना बचेगा?
इसके लिए हम एक माइनस एक पंचमा उसमें लसा निकालेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक समझेंगे, छेद सर्कल करने के लिए इसको पांच से जर करेंगे, पांच एका पांच की तकसीम में पांच, तो पुराने पार्टनर्स का प्रमाण कितना हुआ ए और बी का चार के तकसीम में पांच। अब मैं यही चीज को रफ करके दोबारा समझाऊंगी आपको, क्योंकि हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ा और डिटेल में गुजराती में इसलिए थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगी। यहाँ पर ये बाकी नफा, यहाँ पर हम बाकी नफा ढूंढना है, बाकी नफा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा हिस्सा ए बी सी का पूरा हिस्सा हम गिनेंगे एक, सबका मिलाकर एक हिस्सा, जिसमें से सी का हिस्सा हमको पता है, सी का हिस्सा हमको पता है। चलो अभी लसा निकालना है हमको इसका, कुछ नहीं एक समझेंगे, पाँच पाँच से सर करेंगे, क्योंकि हमको दोनों के छेद सर के करने हैं, यहाँ पर तो पाँच लेंगे तो एक से सर करेंगे। अब ये पाँच एक का पाँच माइनस एक के तकसीम में पाँच, पाँच में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा, ए और बी का हिस्सा कितना बचेगा, पाँच। इस तरह का हिस्सा बचेगा, तो ये सी का हिस्सा हुआ एक के तकसीम में पाँच और बी का, ए और बी का हिस्सा हुआ चार के तकसीम में पाँच। आप सेकंड मेथड इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, ये एक का हिस्सा है एक के तकसीम में पाँच, अब पाँच में से ये जो ऊपर वाली जो रकम है वो माइनस कर देंगे तो दूसरे का हिस्सा आएगा चार के तकसीम में पाँच, ऊपर वाली रकम को माइनस कर देंगे सर, तो जो तकसीम में है वो तो सेम ही रहता है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर आपको इस तरह का हिस्सा दिया हुआ हो कि तीन के तकसीम में आठ, तो ऊपर वाले की रकम माइनस कर देंगे आठ माइनस तीन, तो आठ में से तीन जाएंगे तो पाँच के तकसीम में आठ, बाकी के पार्टनर्स का हिस्सा मिलेगा पाँच के तकसीम में आठ। ये इस तरह भी आप लोग कर सकते हो, बाकी के दोनों पार्टनर्स का इस तरह का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, बाकी नफा हमको मिल गया है चार के तकसीम में पाँच, चार के तकसीम में पाँच बाकी नफा यहाँ पर मिला है चार के तकसीम में पाँच और पुराना प्रमाण। तब हम ढूंढेंगे पहला पार्टनर आर और दूसरा पार्टनर जी, पहले ढूंढेंगे आर और दूसरा पार्टनर जी, दोनों का नवा भाग हमको ढूंढना है, दोनों का हमको नया भाग ढूंढना है। पुराना प्रमाण एक के तकसीम में तीन और यहाँ पर भी एक के तकसीम में तीन, चलो पाँच का पंद्रह, चार का चार के तकसीम में पंद्रह, यहाँ पर भी पुराना प्रमाण आठ के तकसीम में पंद्रह, इनका प्रमाण निकला है नया नफा नुकसान का प्रमाण आर जी एस। चलो अब पार्टनर एस, एस पार्टनर जो है संजू, उसका एक तकसीम में पाँच है, ठीक है, एक के तकसीम में पाँच है। अब हमारा ये प्रमाण है, तीनों पार्टनर्स का हम प्रमाण लिखेंगे, पार्टनर आर पार्टनर जी पार्टनर सी पार्टनर एस, तो इसका प्रमाण निकला कितना चार के तकसीम में पंद्रह, पुराने दूसरे पार्टनर्स का प्रमाण निकला आठ के तकसीम में पंद्रह, और तीसरे का प्रमाण तो हमको दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर तीसरे का प्रमाण हमको दिया हुआ है एक के तकसीम में पाँच। अब ये छेद सेम नहीं है, छेद को सेम करेंगे तभी प्रमाण निकलेगा, तकसीम में जो होता है नंबर्स उसको सेम करना पड़ता है, एक सरखा लिखना पड़ता है तभी प्रमाण लिखा जाता है, रेशियो का तभी पता चलता है। तो ये तीन से जर कर देंगे, तो अब जो हमारा नया नफा नुकसान का प्रमाण निकला है इसको तीन से जर कर देंगे चार आठ, और इसको इसके साथ जर करेंगे तो तीन, ये हमारा नया रेशियो निकला है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हिंदी तो हार्ड है ही, लेकिन अब इस नेक्स्ट टाइम पर अब जो दाखिले चलेंगे उसमें उसी तरह की हिंदी होगी, मैं वापस एक बार समझाने की ट्राई करूंगी आपको। आर का प्रमाण दिया हुआ है एक और जी का प्रमाण दिया हुआ है दो, ये है जीना प्रमाण। संजू का प्रमाण दिया हुआ है एक के तकसीम में पाँच और वो पूंजी कितनी लाने वाला है 90,000। अभी है आर की पुरानी बची हुई पूंजी है 1,50,000 और जी की पूंजी कितनी हुई है 2,00,000, ठीक है। टोटल पूंजी बराबर में नई कितनी लानी है, ये पुरानी है, पुराना
उसके बाद उनके पास पूंजी बची, पूंजी में उन लोगों के पास 1.5 लाख और 2 लाख की पूंजी बची है। नया पार्टनर आया है, उसका पूरा प्रमाण दिया हुआ है, एक एक तकसीम में 590,000 की पूंजी भी लाने वाला है। अब हमारे को आगे क्या करना है, आगे के कारोबार में हमको 4,50,000 रुपये की पूंजी की जरूरत है। 4,50,000 रुपये की मूवी की जो जरूरत है उसका प्रमाण नए नफा नुकसान के प्रमाण से होना चाहिए। तो नया नफा नुकसान का प्रमाण हमको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, हमारे को सबसे पुरानी डिटेल्स दी हुई है। तो अब हम नया नफा नुकसान का प्रमाण सबसे पहले ढूंढेंगे। नया नफा नुकसान का प्रमाण ढूंढने के लिए बाकी नफो जर जूनू प्रमाण, तो जूना प्रमाण जो कि हमारे पास है, लेकिन बाकी नफा कितना है, बाकी नफा ढूंढने का मैंने आपको दो बार बताया कि यहाँ पर जो पार्टनर है एक तकसीम में 5 पूरा नया पार्टनर है, उसमें 5 के माइनस 1 करेंगे तो 4 के तकसीम में 5, ये बाकी का प्रमाण है। 4 के तकसीम में 5 जर पुराना प्रमाण, 1 के तकसीम में 3, 2 के तकसीम में 3, ये दोनों का प्रमाण निकल गया 4, 6, 8। अब तीसरा पार्टनर जिसका प्रमाण है 1 के तकसीम में 5, तो तीनों के छेद सरके करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 जर 5, 3 जर 1, 4 जर 8 जर 3, ये इनका नया नफा नुकसान का प्रमाण निकल गया है। अब यहाँ पर हमारी पूंजी है 4,50,000 जर 4, 8 में 4, 12 में 15, 4,50,000 8 तकसीम में 15, 4,50,000 3 के तकसीम में 15, 15×45 3×4=12, 1,20,000, 3×8=24, 2,40,000 और 3×3=90,000। अब हमको यहाँ पर पूंजी खाता बनाना है। पार्टनर्स का नया नफा नुकसान का प्रमाण ढूंढ लिया, इतनी नई मूड़ी है, ये नया नफा नुकसान का प्रमाण है, ये इतनी मूड़ी लाएगा, ये इतनी मूड़ी लाएगा, ये इतनी मूड़ी लाएगा। पार्टनर आर, पार्टनर जी और पार्टनर एस, 4,50,000 में से इसका प्रमाण इतना है, इसको इतना लेके आना पड़ेगा। इस तरह सब पार्टनर्स को अपने नया नफा नुकसान के प्रमाण के हिसाब से पूंजी लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अब सिर्फ पूंजी खाता बनाना है। पूंजी खाते में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाकी आगे लाए, ये दाखिला तो छोटा सा है, इजी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1,50,000, 2 लाख और ये कारोबार में नकद लाने वाला है, पूंजी के तौर पर 90,000 लाने वाला है, ठीक है। अब बाकी आगे ले गए, ये बाकी कितनी होनी चाहिए, माइनस नहीं करना है हमको, ये बाकी होनी चाहिए 1,20,000, 2,40,000 और 90,000, ये बाकी होनी चाहिए 1,20,000, 2,40,000 और 90,000, ठीक है। अभी तक क्या करते थे, सारी रकम का यहाँ से माइनस करते थे, सारी रकम का यहाँ से माइनस करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या करना है, इस रकम को यहाँ से माइनस करना है, बाकी में से बाकी माइनस करनी है, शुरुआत की बाकी में से आखिर की बाकी माइनस करनी है। जो बचा तो रकम में हमको दिया हुआ है, जरूरी बारीकी से ना मूड़ी खाता तैयार करो, जरूरी डॉक्यूमेंट लाओ से अथवा उपाड़ी जैसे, अब जो भी तफावत है, यहाँ की रकम ज्यादा है, यहाँ की रकम कम है, कितनी कम है, खाते तो सरभर होने ही चाहिए, खाते तो कंपल्सरी है, वो तो सरभर होने ही चाहिए, 2,40,000, 90,000 इस तरह का टोटल होना ही चाहिए, 1,50,000, 2,40,000 और 90,000, ये और ये टोटल सेम है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 में से 1,20,000 जाएगा, 30,000। अब 2,40,000 में से 2 लाख कम है, यहाँ पर
खाते में जिसके अंदर शायद पूंजी खाते में ऐसा डाली जाए या रोकड़ खाते में या चालू खाते में ऐसा डाली जाए, लेकिन दाखिले इसी तरह के हो गए। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस घर पे करनी है, दाखिले की दो बार समझना है आपको ये दाखिला। अल्लाह हाफिज़।